गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विशाल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर लेक्चर 4th ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। इन दिस लेक्चर वी कवर व्हाट इज एन एक्सटेंशन अप्रोच। सो गाइज, आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम लोग एक्सटेंशन के अप्रोच को कवर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक JRF SRF या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज इसको हम लोग देख लेते हैं कि एक्सटेंशन अप्रोच क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन अप्रोच की डेफिनेशन देखते हैं। एक्सटेंशन अप्रोच डिफाइंड एज ए स्टाइल ऑफ एक्शन इम्बॉडिंग द फिलॉसफी ऑफ एन एक्सटेंशन सिस्टम विच बाई एन लार्ज डिटरमाइंस द डायरेक्शन एंड नेचर स्टाइल ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो एक्सटेंशन अप्रोच को हम लोग डिफाइन करते हैं किसी भी वर्क को कार्य करने की जो हमारा तरीका होता है और जो ओवरऑल उसकी फिलॉसफी होती है एक्सटेंशन सिस्टम को, उसको हम लार्ज रूप में एज ए सिस्टमेटिक डायरेक्शन से और उसके जो करने का तरीका है उससे हम एज ए ग्रास रूट लेवल पे जो मतलब उसको करते हैं उसी को एक्सटेंशन अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सच एज इट्स स्ट्रक्चर लीडरशिप प्रोग्राम मेथड एंड टेक्निक रिसोर्स एंड लिंकेज। तो इसका जो कंपोनेंट है वो स्ट्रक्चर है, लीडरशिप है, प्रोग्राम है, मेथड है, टेक्निक है, रिसोर्स है, लिंकेज। जस्ट लाइक एक्सटेंशन के स्ट्रक्चर और लीडरशिप इसके कंपोनेंट है, इसके थ्रू जो हम लोग एज एक्सटेंशन को ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाते हैं उसी को एक्सटेंशन अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन अप्रोच। सो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन पार्टिसिपेटरी अप्रोच। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है। दिस अप्रोच ऑफन फोकस ऑन द एक्सप्रेस नीड ऑफ फार्मर ग्रुप। तो जो ये एज अप्रोच होता है वो नीड ऑफ फार्मर पे फोकस करता है, इसलिए जो फार्मर की नीड है उस पर फोकस करता है ग्रुप की। एंड इट्स गोल इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ। तो इसका जो मेन एम है वो फार्मर की फार्म इनकम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और उनको रूरल लाइफ की जो है उनको लिविंग स्टैंडर्ड को, उनको ड्रेसिंग पैटर्न में ओवरऑल उनका डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन इज ऑफन डिसेंट्रलाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल। तो इसका जो डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन होता है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट, सक्सेस इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ फार्मर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड द सस्टेनेबिलिटी। तो इसका जो सक्सेस मेजर किया जाता है कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट किए और हम लोगों ने कितना एज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया रूरल पीपल लाइफ में, उसको हम लोग उससे इसको हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ए क्लोज लिंक अप्रोच। तो क्लोज लिंक जो क्या अप्रोच है इसको हम लोग देखते हैं। दिस इज फेयरली सेंट्रलाइज्ड अप्रोच इज बेस्ड ऑन रिगर्सली प्लान्ड स्टेक शेड्यूल ऑफ विजिट टू फार्मर एंड ट्रेनिंग ऑफ एजेंट एंड सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। तो यह सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होता है जिसमें प्रॉपरली एज ए प्लान्ड शेड्यूल होता है विजिट का, फार्मर विजिट का, उसके ट्रेनिंग एजेंट का और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का। क्लोज लिंक आर मेंटेन्ड बिटवीन रिसर्च एंड एक्सटेंशन। काफ़ी क्लोज लिंक होता है रिसर्च और एक्सटेंशन के बीच में, जैसे एज ए रिसर्चर है और जो मैसेंजर मैन है एक्सटेंशन वर्कर, उनके बीच काफ़ी क्लोज लिंक होता है। एजेंट्स आर ओनली इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो एजेंट जो होते हैं सिर्फ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं, उनका काम है एज ए रिसर्चर से मैसेज को प्राप्त करना और उसको फार्मर तक पहुंचाना, तो उनका मेन पर्पज यही है। सक्सेस इज रिलेटेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप और कम्युनिटी। तो इसका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है हम किसी पर्टिकुलर क्रॉप को या पर्टिकुलर एज ए कम्युनिटी को लेकर चलते हैं। जस्ट लाइक राइस को अगर हमने लिया तो राइस पे ही हम फोकस करेंगे, राइस के जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी होंगे, न्यू मेथड होंगे, उसको हम रिसर्च स्टेशन से या रिसर्चर से प्राप्त करके सीख करके उसको हम एज ए फार्मर तक इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो इसका जो होता है वो लिंक अप्रोच इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो एक्सटेंशन के जो डिफरेंट एज अप्रोच हैं, जस्ट लाइक हम उसको बोल सकते हैं उसकी कंपोनेंट क्या, जैसे एक लिंक अप्रोच हो गया। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन अप्रोच, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रोच। दिस अप्रोच यूजेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच हैव टेक्निकल नॉलेज एंड सम रिसर्च एबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सटेंशन सर्विसेज। तो जो ये अप्रोच होता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से टेक्निकल नॉलेज को इंक्लूड करता है और सम रिसर्च एबिलिटी को वो करता है जो कि प्रोवाइड करवाता है सर्विसेज ऑफ रूरल पीपल को। तो टेक्निकल नॉलेज होती हैं और जो वो रिसर्च एबिलिटी होती है उसको फार्मर तक वो पहुंचाता है जो टेक्निकल नॉलेज होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग आर ओपन कंट्रोल बाय दोज हु डिटरमाइंड स्कूल कैरिकुला। तो टोटल इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो एज ए जो यूनिवर्सिटी का हेड होता है, वाइस चांसलर होता है या KVK का हेड होता है, उसके हाथों में अथॉरिटी होती है। द इम्फेसिस इज ऑफन ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल नॉलेज। तो इसका जो मेन एम होता है वो ट्रांसफर TOT ऑफ नॉलेज करना होता है, जो भी न्यू नॉलेज है उसको फार्मर तक पहुंचाना।
नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेवरल एक्सटेंशन अप्रोचेज. एक्सटेंशन कम इन मैनी साइज एंड शेप. एक्सटेंशन काफ़ी इसके जैसे डिसिप्लिन है या एज ए साइज या शेप है, काफ़ी ब्रॉड टर्म है ये. ऑल दो द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन मेड प्राइमरली फॉर एग्रीकल्चर इज नॉट कम्प्लीटेड एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द टाइप्स आर नॉट एब्सोल्यूट. तो जो इसका क्लासिफिकेशन है वो स्पेशली एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है और यह कम्प्लीट नहीं है. डिस्टिंक्शन है जो टाइप और उसके बीच में, उसको हम लोग देखते हैं. इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी. ये एक आइडिया देता है जो भी पॉसिबिलिटी होती है और अपॉर्चुनिटी होती हैं उसके बारे में. एग्जिस्ट फॉर एक्सटेंशन प्लानर एंड फॉर पॉलिसी एंड डिसीजन मेकर एट द नेशनल लेवल. तो यह नेशनल लेवल पे होता है, एक आइडिया और डिसीजन देता है, अपॉर्चुनिटी बताता है जो कि एक्सटेंशन प्लानर होता है उसको, कि हम लोग ये स्ट्रेटजी अपनाकर रूरल लाइफ के स्टैंडर्ड में इंक्रीज कर सकते हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में. नेक्स्ट द जनरल एक्सटेंशन अप्रोच. फर्स्ट जो होता है जनरल एक्सटेंशन अप्रोच. इन कॉन्ट्रेस्ट द सेवरल अदर अप्रोचेज, दिस अप्रोच अज्यूम दैट टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज दैट आर अप्रोप्रिएट आर लोकल पीपल एग्जिस्ट बट आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय हिम. तो इसका जो मेन पर्पज होता है वो जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है और जो नॉलेज होता है वो अप्रोप्रिएट होती है बट लोकल पीपल उसके बारे में नहीं जानते और ना ही वो यूज कर रहे हैं. दिस अप्रोच इज यूजली फेयरली सेंट्रलाइज एंड गवर्नमेंट कंट्रोल. जो ये अप्रोच होता है वो एज ए सीधा डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है. सक्सेस इज मेजर्ड इन द एडॉप्शन रेट ऑफ रिकमेंडेशन एंड इंक्रीज इन द नेशनल प्रोडक्शन. तो जो इसका सक्सेस मेजर किया जाता है कि हम लोगों ने एज ए जो भी टेक्नोलॉजी बताई फार्मर ने उसको अडॉप्ट किया कि नहीं, अगर अडॉप्ट किया तो उनका कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, इसी से हम लोग इसके सक्सेस को मेजर करते हैं. नेक्स्ट द कम्युनिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच. द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस अप्रोच ग्रुप ऑल द फंक्शन फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एक्सटेंशन रिसर्च इनपुट सप्लाई मार्केटिंग एंड प्राइस अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसका जो की कैरेक्टरिस्टिक होता है वो जितने भी आल ग्रुप होते हैं उनका फंक्शन एक में करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करके, रिसर्च को अप्लाई करके, इनपुट सप्लाई करके, हमारा मार्केट इन्फॉर्मेशन दे के उन और वन एडमिनिस्ट्रेशन एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, जैसे जैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जितने भी इनपुट होते हैं मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन होती है रिसर्च होते हैं सबको उनको एज ए प्रोवाइड करवाया जाता है. एक्सटेंशन इज फेयरली सेंट्रलाइज एंड इज ओरिएंटेड टूवर्ड वन कम्युनिटी और क्रॉप एंड द एजेंट एज मैनी फंक्शन. तो इसमें एक स्पेशली क्रॉप को या कम्युनिटी को लिया जाता है बट एजेंट जो है वो डिफरेंट फंक्शन करता है जो कम्युनिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच होता है. नेक्स्ट द ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच. कम्युनिटी स्पेशलाइज्ड अप्रोच हो गया, ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच हो गया. दिस फेयरली सेंट्रलाइज्ड अप्रोच इज बेस्ड ऑन रिगरसली प्लान शेड्यूल ऑफ विजिट टू फार्मर. तो यह एज सेंट्रलाइज्ड होती है जिसमें टाइमली जो फार्मर होता है उसको विजिट करनी होती है एंड ट्रेनिंग एजेंट और ट्रेनिंग एजेंट होते हैं उनके बीच में एंड सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट SMS के बीच में फार्मर ट्रेनर जो होता है और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के बीच में क्लोज लिंक होता है और दे आर मेंटेन रिसर्च और एक्सटेंशन. वो रिसर्च और एक्सटेंशन को मेंटेन करते हैं. एजेंट आर ओनली इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. जो एक्सटेंशन एजेंट होता है सिर्फ वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करता है. सक्सेस इज रिलेटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप और कम्युनिटी. तो इसका भी सक्सेस जो मेजर किया था पर्टिकुलर क्रॉप पर या पर्टिकुलर कम्युनिटी पर किया जाता है. नेक्स्ट जो हमारा है कम्युनिटी अप्रोच हो गया, ट्रेनिंग एंड विजिट अप्रोच हो गया, जनरल एक्सटेंशन अप्रोच हो गया, द एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन पार्टिसिपेटरी अप्रोच. दिस अप्रोच ओपन फोकस ऑन द एक्सप्रेस नीड ऑफ फार्मर ग्रुप एंड इट्स गोल इज इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ. तो इस अप्रोच का भी जो फोकस होता है वो पहले नीड का आइडेंटिफिकेशन करना, फिर फार्मर ग्रुप बनाना और इसका गोल होता है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करके उनकी क्वालिटी लाइफ में इन्हेंस करना. इम्प्लीमेंटेशन इज ऑफन डिसेंट्रलाइज एंड फ्लैक्सीबल. ये भी डिसेंट्रलाइज होता है और फ्लैक्सीबल होता है. सक्सेस इज मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ फार्मर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लोकल एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका जो सक्सेस मेजर किया जाता है कितने फार्मर उसमें ऑर्गेनाइज हुए या पार्टिसिपेट किए और जो लोकल एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन क्या उसमें कंट्रीब्यूशन रहा. नेक्स्ट द प्रोजेक्ट अप्रोच. दिस अप्रोच कॉन्सेंट्रेट एफर्ट्स ऑन ए पर्टिकुलर लोकेशन. जो ये प्रोजेक्ट ये होता है प्रोजेक्ट जो होता है पर्टिकुलर लोकेशन के लिए चलाया जाता है और फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए चलाया जाता है और आउटसाइड रिसोर्सेज को रिकॉर्ड करके इसका जो पर्पज होता है वो डिमॉन्स्ट्रेट टेक्निक को अपनाकर, मेथड को अपनाकर, एक्सटेंड करके उनके शॉर्ट टर्म जो होते हैं उनको मेजर सक्सेस किया जाता है, उनके लाइफ में भी क्वालिटी इन्हेंस किया जाता है. इसका जो मेन होता है मेथड को अप्लाई हम लोग करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक बाउंड्रीज की होती है जो प्रोजेक्ट अप्रोच होता है. नेक्स्ट द फार्मिंग सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच. एक की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सटेंशन इस इट्स सिस्टम और होलिस्टिक अप्रोच. तो ये सिस्टम जो होता है वो होलिस्टिक अप्रोच होता है और लोकल लेवल पे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है. क्लोज टाइज विद रिसर्च आर रिक्वायर्ड एंड टेक्नोलॉजी फॉर लोकल नीड इज डेवलप्ड लोकली थ्रू ए इंटरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग लोकल पीपल. तो लोकल पीपल के थ्रू और जो रिसर्चर होता है उसके बीच में
लिंक बना के एक इनिटिएटिव किया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करवाया जाता है। सक्सेस इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच लोकल पीपल अडॉप्ट एंड कंटिन्यू टू यूज टेक्नोलॉजी डेवलप बाय द प्रोग्राम। तो जो सक्सेस मेजर की जाती है कितने एज ए रूरल पीपल ने उसको अडॉप्ट किया और जो उस टेक्नोलॉजी को वो कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको भी देखा जाता है। नेक्स्ट, द कॉस्ट शेयरिंग अप्रोच। दिस अप्रोच अज्यूम दैट कॉस्ट शेयरिंग अप्रोच विद लोकल पीपल। तो इस अप्रोच में जो अज्यूम किया जाता है कॉस्ट शेयरिंग, कॉस्ट का शेयर करके। वी डोंट हैव द मीन्स टू पे द फुल कॉस्ट, मतलब ये इसमें फुल कॉस्ट को नहीं पे किया जाता है। विल प्रमोट ए प्रोग्राम दैट इज मोर लाइकली टू मीट लोकल सिचुएशन एंड वेयर एक्सटेंशन एजेंट आर मोर अकाउंटेबल टू लोकल इंटरेस्ट। तो कुछ जो है मनी उसको प्रोवाइड की जाती है जिससे कि फार्मर मोटिवेट हो और वो खुद के फिर एफर्ट से प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। इट्स पर्पज इज टू प्रोवाइड एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन टू फैसिलिटेट फार्मर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो इसका जो मेन पर्पज होता है एडवाइस प्रोवाइड किया जाता है और फार्मर को इन्फॉर्मेशन जिससे कि वो खुद का इम्प्रूवमेंट करे। सक्सेस इज ऑफन मेजर्ड बाय द विलिंगनेस टू पे। तो एज एस एच जी की तरह बनाया जाता है, तो कितने फार्मर उसमें अपनी मतलब स्वैच्छिक से कितना पे कर रहे हैं वो ग्रुप बनाया जाता है, तो इसका सक्सेस उससे बेसिस पे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। दिस अप्रोच इज यूज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच हैव टेक्निकल नॉलेज एंड सम रिसर्च एबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर रूरल पीपल। इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग आर ऑफन कंट्रोल बाई दोज हु डिटरमाइन स्कूल क्यूरिकुला। दिस एम्फेसिस इज ऑफन ऑन द ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल नॉलेज। तो इस अप्रोच का जो होता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अप्रोच होता है जिसमें टेक्निकल नॉलेज का और सम रिसर्च की जो एबिलिटी होती है उसको प्रोवाइड की जाती है एक्सटेंशन सर्विस के थ्रू रूरल पीपल को, और उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है और प्लानिंग करके उसको कंट्रोल किया जाता है और स्कूल करिकुला की तरह, और जो इसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हेड होता है इंस्टीट्यूशन का। जनरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अप्रोचेज कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, जनरली फाउंड इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड आल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो अप्रोच के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो जनरली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू या तो इम्प्लीमेंट करवाया जाता है या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाया जाता है या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या दोनों के थ्रू करवाया जाता है। नेक्स्ट, अप्रोच अज्यूम दैट टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर लोकल पीपल एग्जिस्ट बट नॉट बीइंग यूज्ड बाय देम। तो इसका जो अप्रोच होता है जो टेक्नोलॉजी काफ़ी अप्रोप्रिएट है और सुटेबल है फार्मर के लिए बट उनको इन्फॉर्मेशन के लैग में उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, इफ़ दैट टेक्नोलॉजी इज कम्युनिकेटेड टू द फार्मर फार्म प्रैक्टिसेस वुड बी इम्प्रूव पर्पज। तो टेक्नोलॉजी को जो कम्युनिकेट करके फार्मर के फार्म इनकम को इंक्रीज करना हेल्प फार्मर इंक्रीज देयर प्रोडक्शन इनकम थ्रू अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन करवा के और उनकी इसी की तरह हेल्प करके उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज कराना। नेक्स्ट, प्रोग्राम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। द अप्रोच इज यूजुअली फेयरली सेंट्रलाइज एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। जो अप्रोच होता है वो फेयरली सेंट्रलाइज होता है और गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। दिस अप्रोच इज कंसीडर एज ए टॉप टू बॉटम गवर्नमेंट प्रियोरिटी एंड डिटरमाइंड एट नेशनल लेवल। तो ये टॉप से एज ए डाउन बॉटम पे आता है और गवर्नमेंट के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है एज ए हायर स्टेटा से लोअर स्टेटा। फार्मर आर जनरली नॉट कंसल्टेटेड रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो फार्मर में काफ़ी इसको कंसल्ट उनको रिसोर्स रिक्वायरमेंट अपना खुद का लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, जो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करवाती है। फील्ड पर्सनल ट्रेन टू बी लार्ज इन नंबर एंड हाई इन कास्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बेयरिंग मोस्ट ऑफ द कास्ट। तो फील्ड पर्सनल जो होते हैं वो लार्ज नंबर पे हाई कास्ट को इंक्रूज करते हैं बट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बेयरिंग ए मोस्ट ऑफ द कास्ट। और इस कास्ट को जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली वहन करती है, प्रोवाइड कराती है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। फील्ड स्टाफ आर असाइंड ऑल ओवर द कंट्री बाय पॉलिटिकल सब डिवीजन। तो फील्ड स्टाफ जो होता है वो ओवरऑल कंट्री में सब डिवीजन होते हैं इसके। मेथड एंड टेक्निक आर जनरली स्टैंडर्डाइज कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन कम्युनिकेशन टेक्निक मेजर ऑफ सक्सेस। तो मेथड और टेक्निक जो होती है वो स्टैंडर्डाइज होती है और कॉम्बिनेशन करके दोनों का मेथड और टेक्निक का हम लोग मेजर करते हैं सक्सेस को। नेक्स्ट, द रेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन एंड इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्शन आर द मेजर ऑफ सक्सेस। तो रेट ऑफ अडॉप्शन से करके और रिकमेंडेड करके उसको प्रोडक्शन नेशनल लेवल को करते हैं और उसको फिर हम मेजर करते हैं। द पर्पज इज टू हेल्प फार्मर इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। ओवरऑल जो इसका पर्पज होता है वो फार्मर की हेल्प करके उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज कराना या इन्हेंस कराना। नेक्स्ट, थैंक यू। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक था काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एज ये किसी भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, जब एपी का या एसएमएस का इंटरव्यू, उसमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो आई थिंक जितने भी अप्रोच एक्सटेंशन के हम लोगों ने कवर कर लिया। सो गाइज, जितने भी आपके अभी जो जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, जो पहले से
एज ए यूट्यूब चैनल पे या कहीं से भी लिंक है, तो आप जो भी आपके जूनियर आ रहे हैं उनको मैक्सिमम टेलीग्राम चैनल के को शेयर करिए या उनके बारे में बताइए कि वहाँ से वो बुक की पीडीएफ और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, कोई ये पर्टिकुलरली मेरा व्यू नहीं कि आप चैनल को शेयर करें या सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग कर रहे हैं अच्छा, मेरा कोई पर्पज़ ये नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल काफ़ी चले, या मॉक टेस्ट भी हम लोगों ने करवाए तो मेरा एज ए कोई का पैसा कमाने का मेरा व्यू नहीं है। बस एक है कि मैं नॉलेज को थोड़ा ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सो प्लीज़ जो भी नए स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर या टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर उनको लिंक शेयर करिए। जो भी आपके डाउट हैं, आपके पर्सनल जो आपके कोई अगर सजेशन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज का सेशन है, हम लोग एंड करते हैं। जो भी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग इकोनॉमिक्स में करेंगे सब्जेक्ट मैटर पर टुमारो एट 8 PM। सो आज का सेशन है, हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।